हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कुजीन यार। आज हम बना रहे हैं पालक की पूड़ी। पालक की पूड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, देखिए 1 कप पालक। ये पालक को मैंने बॉईल करके रखा है, वॉश करके बॉईल करके इसका पूरा पानी निकाल लिया है। हमने लिया है ग्रीन चिली, 4 से 5 ग्रीन चिली, अदरक का टुकड़ा। मसाले के लिए हमने लिया है सौंफ, सौंफ को थोड़ा सा पीस लिया है। रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली ले रहे हैं आप ऑलरेडी, रेड चिली का पाउडर बहुत थोड़ा ही लेंगे। सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पालक की पूड़ी का डो लगाने के लिए सबसे पहले हमको पालक को मिक्सी में ग्राइंड करना है। पालक में आप पानी नहीं लीजिए, ओनली पालक को आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंडर में पालक के साथ ग्रीन चिली एंड जिंजर भी आप ऐड कर दीजिए। एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमने पालक को फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हम इसमें सारा मसाला ऐड कर देते हैं। ये सौंफ ऐड किया हमने, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा पालक ऐड करके नॉर्मल आटे की तरह ही इसका डो लगा देंगे। ये देखिए, हमारा पालक का डो रेडी है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। डो आप देखिए, अच्छा टाइट ही लगाइए, क्योंकि पूड़ी का डो टाइट ही अच्छा रहता है। ये देखिए, 30 मिनट हो गए, हमारा डो सेट है पूड़ी बनाने के लिए। हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लेके इसको थोड़ा आप एक जैसा कर लीजिए। अब इसके आप छोटे छोटे लोई बना लीजिए। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए हाथ में। अब इसकी पूड़ी बेल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। हमने एक छोटा सा लोया लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ये हमने पूड़ी को बेल लिया है। अब हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं पूड़ी तलने के लिए। ये देखिए, मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल अच्छा गरम चाहिए पूड़ी तलने के लिए। हम चेक कर लेते हैं ऑयल गरम हो गया है क्या। देखिए, हमारा ऑयल अच्छा गर्म है। पूड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ऐसे ही हम सारी पूड़ियों को तल लेते हैं। देखिए, पूड़ी हमारी अच्छे से पूरी गई है, गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पालक की पूड़ी बनकर रेडी है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन कुजीन।